वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है जय और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे टोटल 239 वैकेंसी निकल के आई है, तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे तरह तरह की पोस्ट निकल के आई है, तो उनके लिए आपको PDFs मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उसमें के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहली पोस्ट है पेट्रोकेमिकल प्रोफेशनल। तो इनके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया गया है। तो यहाँ पे आपका यदि 60% मार्क्स के साथ इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए, तो 7 साल का, 10 साल का या फिर 15 साल का यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे इसमें से 3 पोजीशन आपको यहाँ पे दी गई थी तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो 3 पोजीशन आपको यहाँ पे दी गई है और एक एक वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको मैक्सिमम एज भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस फोटो के अंदर। तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ पे आपके रिज्यूमे पर से, आपके मार्क्स पर से और आपके एक्सपीरियंस पर से आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, 2 इंटरव्यू आपके यहाँ पे होने वाले हैं, बिहेवियरल और टेक्निकल। तो बिहेवियरल इंटरव्यू यहाँ पे 40 मार्क्स का रहेगा और टेक्निकल इंटरव्यू 60 मार्क्स का। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं 40% और 33.3%। 33.3% ये SC ST OBC NC और PWD कैटेगरी को चाहिए और 40% UR और EWS कैटेगरी को चाहिए इंटरव्यू में। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको पे स्केल कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पे सैलरी ग्रेड दिया गया था आपको, यहाँ पे सी ग्रेड के लिए 80,000 से लेकर 2,20,000 सैलरी यहाँ पे दी जाएंगी। उसी तरह डी ग्रेड के लिए भी आपको दी गई है और ई ग्रेड के लिए भी आपको यहाँ पे सैलरी दी गई है। साथ ही साथ CTC अप्रोक्सीमेट CTC आपको यहाँ पे दिया गया है, वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद में जो पोस्ट है वो है इंजीनियर्स के लिए। तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए वैकेंसीज निकल के आई हैं और टोटल यहाँ पे इनके लिए 200 वैकेंसी है। तो उसकी भी आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 120 वैकेंसी है। साथ ही साथ आपको सैलरी ग्रेड E2 यहाँ पे दिया गया है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे बता दी गई है 25 साल तक और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप पास रहना चाहिए, आपकी इसकी डिग्री कंप्लीट रहना चाहिए। और साथ ही साथ PWD कैंडिडेट्स भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको क्वालिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, 30 वैकेंसीज है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे 25 और 25 वैकेंसी निकल के आई है। साथ ही साथ यहाँ पे मैक्सिमम एज 25 साल तक आपको दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे 60% मार्क्स के साथ आपकी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट रहना चाहिए और आपको यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो इंजीनियर्स कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो यहाँ पे आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगी सबसे पहले, उसमें जनरल एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल ये इस सब्जेक्ट्स पर आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। और यहाँ पे मार्क्स भी बता दिए गए हैं, 60% मार्क्स चाहिए UR और EWS कैटेगरी को और 54 मार्क्स चाहिए SC ST PWD और OBC NC कैटेगरी को इस टेस्ट में। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहना चाहिए 50% सभी कैटेगरीज के लिए। उसके बाद में ग्रुप टास्क की टेस्ट होने वाली है और उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए 40% और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख पा रहे हो। उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू भी यहाँ पे लिया जाएगा और उसके भी यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। और तो इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला है। बात करते हैं सैलरी की। तो यहाँ पे सैलरी आपको बता दी गई है, तो 50,000 से लेकर 1,60,000 तक आपको सैलरी यहाँ पे दी जाएंगी पर मंथ। और यहाँ पे 15.17 लाख का आपको CTC दिया गया है। इसके बाद में जो पोस्ट है वो है चीफ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और ऑफिसर की। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हो आप वैकेंसीज दी गई है, साथ ही साथ मैक्सिमम एज भी आपको दिया गया है इस फोटो के अंदर और आपको क्वालिफिकेशन भी दिखाई दे रहा होगा। और यदि आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हो, मैं आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और उसके बाद में क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद में जो पोस्ट है वो है चीफ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और ऑफिसर की। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन दिया गया है और वैकेंसीज भी आपको दी गई है। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, चीफ मैनेजर के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो है PhD, ME, MTech, BE, BTech यदि आपका कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको 12 साल का, 14 साल का, 15 साल, 16, 17, 19 साल तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे रहना चाहिए और तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 7th पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की। इस पोस्ट के लिए BE, BTech, MSc, PhD कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे रहना चाहिए 1 साल का, 3 साल का या फिर 4 या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस आपको रहना चाहिए। उसके बाद में जो 8th पोस्ट है इस नोटिफिकेशन की वो है ऑफिसर की पोस्ट। तो इसके लिए MEMTech कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिसका
प्लास्टिक टेक्नोलॉजी या फिर केमिकल में से डिग्री कंप्लीट है और पीएचडी के कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो है बायोसाइंस और केमिकल। तो इसमें से यदि आपका पीएचडी कंप्लीट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ऑफिसर पोस्ट के लिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन में आपको इनकी जॉब डिटेल्स और वर्क एक्सपीरियंस और जॉब डिस्क्रिप्शन भी बताया है, आप वहाँ से वो देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, उस पर से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जैसे कि मैंने इंजीनियर्स के पोस्ट के लिए बताया था। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता दिए गए हैं, 60% मार्क्स आपको रहना चाहिए यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, 54% रहना चाहिए ओबीसी एनसी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को। तो इस तरह से आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है। उसके बाद में बात करते हैं सैलरी की, तो यहाँ पर सैलरी ग्रेड आप दिखाई दे रहे हैं आपको और आपको पे स्केल भी दिखाई दे रहा है, 60,000 से लेकर 1,80,000 तक पे स्केल यहाँ पे ए ग्रेड को दिया जाएगा। उसके बाद में बी ग्रेड को भी दिया गया है, 70,000 से लेकर 2,00,000 तक सैलरी यहाँ पे दी जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस पोस्ट के लिए इतनी सैलरी यहाँ पे दी जाने वाली है, साथ ही सीटीसी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे लास्ट पोस्ट की और वो है आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट। तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको वैकेंसीज दिखाई दे रही होंगी, टोटल यहाँ पे 25 वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज के लिए भी वैकेंसी दी गई है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और तो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से आप क्वालिफाई हो 50% के साथ तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस रहना नहीं चाहिए। तो बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग की, तो यहाँ पे आपका ग्रुप टास्क, आपके सीए के मार्क्स और आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, उस पर से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ आपके जो सीए के मार्क्स है उसका 50% वेटेज दिया गया है सिलेक्शन प्रोसीजर में, और ग्रुप टास्क का यहाँ पे वेटेज दिया है 15% का, और पर्सनल इंटरव्यू का यहाँ पे 35% वेटेज दिया गया है आपको, और उसके बाद में आपका फाइनल यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो उसी के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे लगाई जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको दिया गया है। बात करते हैं सैलरी की, तो यहाँ पे 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएंगी, 15.17 लाख का यहाँ पे सीटीसी आपको दिया गया है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है आप नोटिफिकेशन को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो लास्ट डेट बताई है वो है 31 मार्च पहली पोस्ट और 9th पोस्ट के लिए, और उसके बाद में जो 2 से लेकर 8 तक पोस्ट है यानी कि इंजीनियर्स के लिए, और उसके बाद में जो मैनेजर की पोस्ट थी, ऑफिसर की पोस्ट थी, उसके लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 15th अप्रैल 2021। तो इसके पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है और ऑनलाइन अप्लीकेशन आपको यहाँ पे करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो जनरल ओबीसी एनसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यहाँ पे 1,180 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई फ़ी नहीं लगने वाली है। तो यहाँ पे फ़ी थोड़ी ज़्यादा है, तो आप आपके हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। तो आपको सभी नोटिफिकेशंस की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और आप वहाँ से फिर से देख सकते हो। तो यदि आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आपके दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में पता चले, क्योंकि इस कोरोना के टाइम पे सभी को जॉब की बहुत ज़रूरत है और यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है HPCL की तरफ से। तो ज़रूर से उन्हें शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ यहाँ पे मिलते रहे। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।